तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने पीसी पे वॉइस चेंजर को कैसे यूज कर सकते हो अपने गेमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, या फिर अगर आप लोग डिस्कॉर्ड वगैरह पे वॉइस चेंजर यूज करना चाहते हो रियल टाइम में, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हो और मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या चीज आप लोगों को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा एक वॉइस चेंजर, रियल टाइम वॉइस चेंजर, जिससे आप लोग वॉइस चेंज करोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप लोग क्लिक करके जा सकते हो इस वेबसाइट पे और यहाँ से आप लोग आई फोन का मैजिक माइक डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक रियल टाइम वॉइस चेंजर है और आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपने विंडोज में। तो यहाँ पे दिखा रहा है, शायद से मैक में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई इट फ्री पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये बस 2.5 MB का ही सेटअप है, बहुत छोटा सा, फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। ये सेटअप को आप लोग डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब इंस्टॉल वगैरह करना तो आपको आता है, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे, वॉइस चेंजर को, आप लोग इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। और ऐसे इंटरफेस आने के बाद में आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बार चेक करना है कि आपने अपना करेक्ट माइक्रोफोन सिलेक्ट करके रखा है या नहीं। तो जैसे मेरा ये माइक है तो मैंने अपना करेक्ट माइक सिलेक्ट करके रखा है या नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। मैंने पहले से करेक्ट माइक सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे आपको हेडफोन भी अपना करेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको अगर सुनना है कोई आवाज तो आपको प्रॉपरली आपके हेडफोन में आवाज जो है वो सुनाई दे। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको वॉइस बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, साउंड बोर्ड का मिल जाता है, वॉइस मीम का मिल जाता है। अब यहाँ पे वॉइस बॉक्स में सारे वॉइस चेंजर के जो इफेक्ट होते हैं और बने बनाए से इफेक्ट, वो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉइस चेंजर के इफेक्ट्स मिल जाएंगे और कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो। साउंड बोर्ड में यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिनको आप लोग अपने गेम के दौरान या फिर अपने डिस्कॉर्ड पे या फिर लाइव स्ट्रीम पे कभी भी बीच में कोई भी साउंड अगर आपको बजाना है, जैसे यहाँ पे ये है तो कुछ फनी मोमेंट हो गया आपके अगर गेम में, तो आप लोग ये भी कभी भी बीच में बजा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं यहाँ पे जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन जाते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉइस बॉक्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे वॉइस चेंजर के इफेक्ट आपको पता नहीं है, अनगिनत है यहाँ पे बहुत सारे वॉइस चेंजर के इफेक्ट्स है जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे सारे फ्री नहीं है, यहाँ पे ये नीचे के प्रीमियम रहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को प्रीमियम इनका परचेस करना पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम परचेस करना चाहते हो, सारे अनलॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है इनके ईयरली प्लान पे, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। 50% ऑफ चल रहा है, $20 के आसपास में यहाँ पे आपको साल भर के लिए मिल जाते हैं सारे, मतलब अनगिनत वॉइस इफेक्ट। तो अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी आपको परचेस करना है तो आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली हर 24 आवर्स में यहाँ पे रैंडमली कोई भी 5 वॉइस चेंजर के इफेक्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं, जैसे मुझे आज ये 5 इफेक्ट्स मिले हुए हैं, और इन हर इफेक्ट्स को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आगे आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पता चलेगी, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इस वॉइस चेंजर में मैं यहाँ पे हियर माई सेल्फ को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना माइक जो है वॉइस चेंजर में एक बार ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी एस्ट्रोनॉट जैसी आवाज ऑन है। तो अभी आप लोग सुन सकते हो मेरी आवाज एस्ट्रोनॉट जैसी आ रही है। तो यहाँ पे एक मिनट के लिए मैंने माइक ऑफ कर दिया, ताकि मुझे खुद को डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग हर वॉइस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सारे इफेक्ट एक बार अप्लाई करके सुना देता हूँ। तो गाइस अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मुझे पता चला कि मेरा डेस्कटॉप ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और मैं जो भी वॉइस चेंज करके दिखा रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो ये पार्ट मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सारे इफेक्ट्स को अप्लाई करके। तो यहाँ पे सबसे पहले एस्ट्रोनॉट वाले पे सिलेक्ट है, मैं माइक ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग सुन सकते हो मेरी आवाज एस्ट्रोनॉट जैसी आ रही है। तो यहाँ पे मैं सिटी पे कर देता हूँ, और अभी आप लोग सुन सकते हो मेरी आवाज काउंटर स्ट्राइक वाले जैसी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रोन वाला इफेक्ट, ये बुड्ढे जैसा इफेक्ट है, बुड्ढे जैसा, और ये लास्ट वाला छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप लोगों को समझ लो इनमें से कोई इफेक्ट यूज नहीं करना है आज, जो भी आपको फ्री में ही मिले हुए हैं इफेक्ट्स, बट आपको कोई अदर इफेक्ट बनाना है, मतलब आपको लड़की जैसा आवाज बनाना है, या फिर आपको एकदम बच्चे जैसी आवाज बनाना है, या फिर आपको ट्रांसफॉर्मर जैसी आवाज बनाना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। वो करने के लिए देखो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बुड्ढे वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करके रखा है वॉइस चेंजर में, और यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स आपको दिखाई देगी, पिच, फ्रिक्वेंसी, इक्वलाइजर, वॉल्यूम वगैरह। तो यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ और आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिच पे सिलेक्ट है, पिच को अगर आप लोग एडजस्ट करोगे तो
लोगों ने देखा कि लास्ट में एकदम ट्रांसफॉर्मर जैसी आवाज हो गई थी, तो यहाँ पे आप लोग पिच को और फ्रीक्वेंसी इक्वलाइजर वगैरह को एडजस्ट करके आप लोग कैसी भी आवाज बना सकते हो फ्री में अपने हिसाब से, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। तो थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी यूज करो और अपने हिसाब से फ्री में यहाँ पे आवाज जैसी बनाना है आप लोग उसको बना के यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग रहने देते हैं, इन सबको रीसेट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉइस चेंजर वाली चीज। अब यहाँ पे साउंड बोर्ड में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग कोई भी इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो, मतलब बजा सकते हो बीच में खेलते खेलते, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इफेक्ट अगर आप लोगों को इनमें से जो भी इफेक्ट पसंद आता है आपको कि आपको यूज करना है वो आपके गेम के बीच में, तो जैसे अभी समझ लो ये लाफ वाला, मुझे लॉन्ग लाफ वाला बहुत पसंद है। कभी भी अगर आपके गेम में कुछ फनी मोमेंट होता है तो आप अगर बजाना चाहते हो इसको, तो यहाँ पे आप लोगों के की बाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग गेम खेलते हुए या फिर डिस्कॉर्ड में कुछ बात करते हुए या फिर कुछ भी करते हो लाइव स्ट्रीम करते हुए, हम लोग बार बार ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस तो नहीं खोलेंगे ना, क्या आएंगे माउस से क्लिक करेंगे तब बजाएंगे, वो फिर तो पूरी टाइमिंग ही मिस हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग एकदम प्रो जैसा यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एड की बाइंड वाला जो ऑप्शन होता है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अपना फेवरेट वाला इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे लॉन्ग लाफ ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एड की बाइंड पे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड की बटन को आप लोग असाइन कर सकते हो कि जब भी वो कीबोर्ड की बटन दबाओगे तो ये साउंड इफेक्ट प्ले होगा, बजेगा, आपके टीममेट्स को सुनाई देगा या फिर आपके लाइव स्ट्रीम पे सुनाई देगा। तो यहाँ पे मैं 9 नंबर की बटन जो है मेरे कीबोर्ड में वो असाइन कर देता हूँ कि मैं 9 नंबर की बटन जब भी दबाऊंगा तो ये वाला साउंड इफेक्ट बजेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे वॉइस मीम वाले इस पे ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसमें भी बहुत सही चीज है, यहाँ पे ना पहले से ये सारी चीजें यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, ये सारे ऊपर ऊपर के साउंड इफेक्ट जो भी अनलॉक दिखाई दे रहे हैं, सीरी की आवाज है, ट्रंप की आवाज है, हैरी पॉटर, एनिमे, सेलिब्रिटी, यहाँ पे ईगल वाला मेरा फेवरेट है भाई, ये तो यूज करोगे ना अगर आप लोग वैलोरेंट ये सब यूज खेलते हो, वैलोरेंट वगैरह, और उसमें अगर आप लोग लड़की की आवाज में थोड़ा ट्रॉल करना चाहते हो अपने टीममेट्स के लिए तो वो बहुत खतरनाक है। गेम में जाओगे, Hey boys, ये साउंड इफेक्ट, ये साउंड इफेक्ट प्ले कर दो, Hey boys, what's going on? Hey boys, what's going on? वो समझ भी नहीं सकते हैं कि ये कोई वॉइस चेंजर से बज रहा है, उनको लगेगा रियल लड़की है, ठीक है। उसके बाद में Hi there, ठीक है। उसके बाद में How old are you? ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से I'm 18, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग सारे इफेक्ट्स को ना ये अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इन सारे इफेक्ट्स को अपने एक की बाइंड को ऐड कर दो, ठीक है। और ये सारे फ्री में है, ठीक है, मैंने भी इनका अभी परचेज नहीं कर रखा है, ठीक है, ये सारे फ्री इफेक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे की बाइंड वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले गेम में घुसते बराबर क्या करोगे वैलोरेंट में, हे बॉयज व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसको मैं 1 नंबर में सेट कर देता हूँ, समझ लो की बाइंड पे क्लिक करके। सेकंड ये वाला, इसको मैं यहाँ पे 2 नंबर पे सेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे थर्ड को, थर्ड पे यहाँ पे मैं 3 नंबर पे सेट कर देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपने कीबोर्ड की कोई भी बटन को असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने असाइन कर लिया, सारी चीजों को अपने प्रॉपर कर लिया। अब उसके बाद में जब अगर आप लोगों को इसको गेम में यूज करना है या फिर आपको डिस्कॉर्ड में यूज करना है या फिर आपको OBS स्टूडियो में यूज करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना माइक इनपुट को चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको OBS में बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो अपने आपके लाइव स्ट्रीम पे वॉइस चेंज होकर जाए तो अपना OBS स्टूडियो ओपन करो, और यहाँ पे जो आपका माइक वाला सोर्स होता है ना ऑडियो मिक्सर में माइक वाला, वहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फिल्टर प्रॉपर्टीज में जाना है, सॉरी फिल्टर निकल गया मेरे मुंह से, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है अपना वॉइस चेंजर वर्चुअल ऑडियो डिवाइस, ये वाला माइक्रोफोन वॉइस चेंजर वर्चुअल ऑडियो डिवाइस, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लोगे तो आपके लाइव स्ट्रीम पे वॉइस चेंजर के थ्रू आवाज जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो आपके लाइव स्ट्रीम पे वॉइस चेंजर वाली आवाज जाएगी। अब आपको गेम में कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, उसके लिए मैं फटाक से वैलोरेंट गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना गेम ओपन कर लिया, अगर आपको गेम में यूज करना है तो आपको क्या करना है, गेम में यहाँ पे सेटिंग में जाना है, अपने गेम की सेटिंग में, आप जो भी गेम खेलते हो अपने पीसी पे उसकी सेटिंग्स में जाओ। गेम के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने ऑडियो सेटिंग में जाना है अपने गेम के, और यहाँ पे जो वॉइस चैट वाली सेटिंग होती है वहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस पे तो आप अपना ईयरफोन या हेडफोन सिलेक्ट करते हो, और इनपुट डिवाइस में यहाँ पे आपको वही ऑडियो ये वॉइस चेंजर वर्चुअल ऑडियो डिवाइस इसको सिलेक्ट करना है, मतलब माइक्रोफोन वॉइस चेंजर वाले को इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फिर आपके गेम में आपके टीममेट्स को वॉइस चेंज होके जाएगा, मतलब वॉइस चेंजर जो है वो आपके गेम में भी यूज होगा। आपने सही सिलेक्ट कर लिया इनपुट डिवाइस को, उसके बाद आप क्लोज करके उसको यूज कर सकते हो। अब जो हमने की बाइंड अटैच किया था वहां पे, अभी देख लो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे मेरा ये ओपन है, मेरा गेम ओपन है, ठीक है। अब समझ लो मैं गेम खेल रहा हूँ तो मैं बस अपने कीबोर्ड में 1 नंबर की बटन दबाऊंगा, Hey boys, what's going on? ठीक है, पहला साउंड इफेक्ट जो हमने 1 नंबर पे जो सेट किया था साउंड इफेक्ट को वो बजा। 2 नंबर दबाऊंगा, Hi there, ठीक है,
तीन नंबर How old are you? ठीक है, तो ऐसे आप लोग कीवर्ड को यूज करके आप लोग अपने गेम खेलते हुए कभी भी बटन दबाओगे, आपको माइक चालू करने की भी जरूरत नहीं है अपने गेम में। आप जैसे जो भी साउंड इफेक्ट आपने रखा हुआ है सेट करके कीवर्ड पे, वो बटन जैसे दबाओगे आपके गेम में और या फिर आपके लाइव स्ट्रीम पे वो आवाज जाएगी। तो गाइस जाओ ट्राई करो इस मैजिक माइक को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर ये आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।